हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आबकारी विभाग की टीम ने और सीआईए की टीम ने यहाँ पर, जो कि सामने देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठेका है शराब का और यहाँ पर देखिए छापेमारी हुई है। नकली शराब बनाने की जो बात है कही जा रही थी और देखिए नकली शराब यहाँ पर बरामद हुई है। कहाँ से बरामद हुई है, कैसे यहाँ पर नकली शराब आई थी, वो जांच का विषय है। परंतु एसीपी मोनिका यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर एसएचओ समेत जो है तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है टीम जांच में जुटी है, कैसे यहाँ पर नकली शराब पहुंची जांच का विषय है। परंतु यहाँ पर देखिए तमाम टीम, आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर पेटियों में भरकर जो शराब है पर आ रही थी और देखिए यहाँ पर जो शराब है वो जब्त कर ली गई है और यहाँ पर एसीपी मोनिका भी मौजूद हैं। और ये देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि नीलम फ्लाईओवर के ठीक सामने जो है ठेका पड़ता है और ये देखिए ठेका देख लीजिए। यहाँ पर लगातार खबरें सामने आती रहती थी कि नकली शराब पीने के कारण काफी लोगों की जान चली जाती थी या जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते थे। परंतु यही वो नकली शराब है कि जो लोगों की जान ले लेती थी। देख सकते हैं यहाँ पर आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, आबकारी विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और तमाम पुलिस विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। देखिए शराब को जब्त कर लिया गया है और देखिए ये जो शराब है लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ करती है, हानिकारक बहुत होती है। ऐसे में देखिए एसीपी मोनिका भी यहाँ पर मौजूद है और करीब 4-5 जो पेटी है शराब, जो नकली शराब है वो यहाँ पर पुलिस विभाग की टीम ने बरामद की है। ऐसे में एसीपी मोनिका भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और नकली शराब जो है यहाँ पर लोगों को बेची जा रही थी। देखिए असली दाम जो है वो लिए जा रहे थे परंतु नकली शराब लोगों को बेची जा रही थी। ऐसे में एसीपी मोनिका मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम थोड़ा सा बता दीजिए। बता रही हूँ, अच्छा काम चल रहा है। ये तो बता दीजिए नकली शराब है क्या, है क्या पकड़ा है? नहीं, हमने जो ओरिजिनल लेबल की बॉटल है उसमें शराब दूसरे लेबल की है, ये प्रॉब्लम। अच्छा शराब दूसरे लेबल की है, कहाँ से आती थी कुछ ऐसे? वो आपको डिटेल्स बाद में दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एसीपी मोनिका का कहना है कि डिटेल जो है बाद में दे दी जाएगी। परंतु साफ तौर पर यहाँ पर देखिए सामने देख सकते हैं आप कि वहाँ पर नकली शराब जो है पकड़ी गई है। तमाम सहयोगी से कहूँगा एक बार जो है जूम कर दिखाए। ये देखिए यहाँ पर ठेके के बिल्कुल ठीक सामने, देखिए नीलम फ्लाईओवर के ठीक सामने यहाँ पर ठेका पड़ता है और ठेके पर जो है नकली शराब लोगों को दी जा रही थी, परोसी जा रही थी। देखिए तमाम तस्वीरें यहाँ पर ब्रांडेड जो बोतलें हैं, ब्रांडेड बोतलों की जो लेबल हैं वो उस पर उन बोतलों पर लगा गई। देखिए इन बोतलों पर लगाकर ब्रांडेड शराब की बोतलों पर ब्रांडेड लोगो लगाकर लेबल लगाकर बेचे जा रहे थे। यहाँ पर देखिए आला अधिकारी पूरे मौके पर पहुंचे हुए हैं, खबर को शेयर करते रहें। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जो भी लोग शराब के शौकीन हैं या फिर मदिरा के शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है कि अब जो है नकली शराब फरीदाबाद में आने लगी है और फरीदाबाद में यहाँ पर आबकारी विभाग की जो टीम है वो पहुंची है, सीआईए की टीम पहुंची है और यहाँ पर छापेमारी की है। नकली शराब जो है वो बेचने का जो गोरखधंधा है इस ठेके पर चलता था। ये देखिए तमाम तस्वीरें देख लीजिए एक बार, यहाँ पर तमाम जो है एक्साइज की टीम पहुंची हुई है और सूचना मिली थी गुप्त सूचना के आधार पर। यहाँ पर ये देखिए तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। एसीपी मोनिका से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर नकली शराब लोगों को बेची जा रही थी, लेबल दूसरा था और देखिए ज़्यादा पैसों में, ज़्यादा लालच के चक्कर में जो ठेके संचालक हैं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और खिलवाड़ भी ऐसा कि कम पैसे में, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठग रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे बटोर रहे थे, ऐसी सूचना मिली थी। देखिए तमाम लोगों को यहाँ पर जो है पकड़ लिया गया है, तमाम यहाँ पर जो शराब बेचते थे उनको नज़रबंद कर लिया है ताकि कोई यहाँ से भाग ना जाए। एसएचओ समेत एसीपी मौजूद है यहाँ पर। देखिए तमाम भीड़ यहाँ पर लोगों की जुट गई है, तमाम यहाँ पर लोग देख सकते, देखिए तमाम लोग यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जैसे ही सूचना मिली लोग जैसे यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो शराब है लगी हुई है और ये जो शराब है ये लोगों को परोसी जा रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेची जा रही थी। ऐसे में तमाम जो आप खबर देख रहे हैं एक्साइज की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है और ये देखिए यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और सूचना मिली थी गुप्त सूचना के आधार पर। एसीपी की मोनिका भी यहाँ पर पहुंची, आबकारी विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची, एक्साइज की टीम जो है यहाँ पर अभी जांच का विषय है, जांच कर रही हैं। एसीपी मोनिका का कहना है कि लेबल दूसरा और शराब जो है कोई दूसरी, यानी कि सस्ती शराब को महंगे दामों में यहाँ पर बेचा जा रहा है। खबर को एक बार जरूर शेयर कर दें, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। NIT में शराब, नकली शराब का गोरख धंधा जो है यहाँ पर चल रहा है, फरीदाबाद में जो नकली शराब का धंधा है फलफूल रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो है डिटेल अभी थोड़ी देर में एसीपी मोनिका देंगी कि असली वजह क्या थी, कहाँ से ये शराब आती थी। जी ये देखिए तमाम तस्वीरें देखिए। हेलो Thank you.
बिल्कुल देखिए, क्षमा चाहेंगे, एक हमारे मुंह से एक वर्ड निकल गया गोरखधंधा, और वो कहीं ना कहीं गलत भी है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपका विभाग की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है, CIA की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची है, और हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, ACP मोनिका भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए ब्रांडेड लेबल लगाकर यहाँ पर शराब जो है परोसी जा रही थी, लोगों को बेची जा रही थी, और यहाँ पर तमाम तस्वीरें एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये वो शराब की पेटियाँ हैं जो क्राइम ब्रांच की टीम ने बरामद की हैं, जब्त की हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग शराब पीने के शौकीन हैं वो एक बार फिर जो है अलर्ट हो जाएं, क्योंकि नकली शराब जो है अब ठेकों में भी परोसी जा रही हैं। लोग ठेकों पर विश्वास करके जाते हैं ताकि कोई नकली शराब ना बेच सके, परंतु ठेकों में ही नकली शराब बेचने का जो यहाँ पर काम चल रहा है, ये भी तमाम यहाँ पर तस्वीरें। फिलहाल खबर को लगातार शेयर करते रहें। मैं आपको बता दूं कि नीलम पे मौजूद हूँ, नीलम पर यहाँ पर तमाम आला अधिकारी की टीम यहाँ पर ठेके पर पहुँची हुई है, और जो शब्द मेरे मुँह से निकला था गोरखधंधा, माफ़ी चाहूँगा, वो भूलवश यहाँ पर देखिए तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये देखिए तमाम महंगी महंगी बोतलों का लेबल जो है यहाँ पर लगाकर बेचते थे, और फिलहाल देखिए देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी महंगी, काफ़ी बड़ी दुकान है और बड़ा ठेका है, और बड़े ठेके पर यहाँ पर ACP मोनिका यहाँ पर छापेमारी करने पहुँची है। ये देखिए तमाम यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर लग गई है, ऐसे में लोगों को जैसे जैसे सूचना मिल रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप जरूर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है ब्रांडेड लेवल लगाकर जो है शराब बेची जा रही थी, यानी कि ये कहें कि अगर शराब 200 रुपये की और लेबल 1000 रुपये का जो है लगाकर बेचा जा रहा था, 1000 रुपये की बोतल का जो लेबल है यहाँ पर बेचा जा रहा था। यहाँ पर देखिए अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है आखिरकार ये शराब कहाँ से आती थी, कैसे ये लोग करते थे और कितने समय से ये बेच रहे हैं। ये देखिए तमाम बोतल आप देख रहे होंगे, तमाम यहाँ पर बोतलें हैं, महंगी महंगी बोतलें हैं, और ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं नीलम की हैं, नीलम सिनेमा के नीचे यहाँ पर ठेका है, और मेरे ठीक सामने देखिए वहाँ पर जो है नीलम फ्लाईओवर है, नीलम फ्लाईओवर के ठीक सामने यहाँ पर ठेका पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए लोकेशन मैं आपको बता दूं कि नीलम फ्लाईओवर के ठीक सामने, जब आप मथुरा रोड से नीलम फ्लाईओवर की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल आपके ठीक सामने पड़ता है ये ठेका, और यहाँ पर नीलम सिनेमा के ठीक नीचे यहाँ पर जो ठेका है पड़ता है, और यहाँ पर लोगों को नकली शराब जो है परोसी जा रही थी महंगे महंगे दामों पर। हालांकि पुलिस ने अभी अपने बयान में कहा है कि जांच जारी है, जांच के बाद पता लग पाएगा कि आखिरकार कौन सी लेबल की जो शराब है वो रखते थे और कौन सा लेबल जो है बोतल पर चिपकाते थे। फिलहाल ठीक सामने आप एक बोतल देख रहे होंगे, बिल्कुल ठीक सामने एक बोतल रखी हुई है, इस पर भी लेबल कोई दूसरा लगाया हुआ है और बोतल कोई दूसरी है। जो भी दर्शक एक खबर देख रहे हैं लगातार शेयर करते रहें, और सब करने से हम दिखा देंगे। बिल्कुल देखिए तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट गई है और यहाँ पर छापेमारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि नीलम फ्लाईओवर के ठीक सामने शराब का ठेका है, यहाँ पर छापेमारी हुई है, और
भूलवश एक शब्द जो है, मैं बार बार माफ़ी मांगना चाहूँगा कि भूलवश मेरे से एक शब्द जो है निकल गया था, गोरख धंधा, वो मैं माफ़ी मांगता हूँ, भूलवश निकल गया था। और यहाँ पर फिलहाल जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पर CM यहाँ पर छापेमारी हुई है और ACP मोनिका यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई हैं और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। ये देख सकते हैं ये सामने ठेका है और ठेके पर तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। लगातार ACP मोनिका छापेमारी कर रही हैं। ये देखिए फिलहाल क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी, परंतु मैं आपको दोबारा बता दूं कि ठेके पर जो है छापेमारी हुई है, छापेमारी ACP मोनिका के नेतृत्व में हुई है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।